हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सक्सेस अड्डा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें पहला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। मतलब कोई व्यक्ति वो क्या करता है, बेईमानदारी यानी कि जिसके पास ईमानदारी ना हो के द्वारा क्या करे, वो छलावा करे कि वो कोई और है, जबकि हकीकत में उसकी जैसे कि बहरुपिया कह सकते हैं। बहरुपिया क्या होता है, हकीकत में कुछ और होता है और दिखता वो कुछ और है, तो उसको इम्पोस्टर, ठीक है, इम्पोस्टर बोलते हैं ऐसे लोगों को, ढोंगी लोगों को या बहुरूपिया लोगों को क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। अब इसको याद कैसे रखें इम्पोस्टर को, इम्पोस्टर में देखो पोस्टर आ रहा, पोस्टर, तो जो पोस्टर लगवाए जाते हैं, जो कुछ ऐसे बाबा होते हैं, बाबा से रिलेट कर लो, कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो अपने पोस्टर छपवाते हैं, और जो पोस्टर वगैरह छपवाते हैं ज़्यादा नौटंकी करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, अधिकांश ढोंगी होते हैं, बहुरुपिया होते हैं। तो इम्पोस्टर कौन से हो गए, जो पोस्टर जिनके छपे हों, ज़्यादा पोस्टर वोस्टर छपते रहते हों, वो लोग कैसे होते हैं, ढोंगी होते हैं, बहुरुपिया होते हैं, ठीक है। तो इम्पोस्टर यानी कि बहुरुपिया। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी पुट इन टू प्रैक्टिस। मतलब क्या हुआ, जिसको हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, जिसको हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम नहीं कर सकते, वो चीज़ क्या होती है, इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। हिंदी में कहें तो अव्यवहारिक, जिसको हम व्यवहार में ना ला सकें, वो चीज़ क्या कहलाती है, इम्प्रैक्टिकेबल। अब इस इम्प्रैक्टिकेबल को याद कैसे रखें, इम्प्रैक्टिकल में देखो, ध्यान से देखो, प्रैक्टिकेबल आ रहा, प्रैक्टिकेबल, और प्रैक्टिकेबल से यानी कि रिलेट कर लो प्रैक्टिकल, तो जिसका हम प्रैक्टिकल ना कर सकें, तो प्रैक्टिकल ना कर सकें यानी कि जिसको हम व्यवहार में ना ला सकें। प्रैक्टिकल, किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं तो मतलब क्या हुआ, वो हम हमारे व्यवहार में, हमारे रूटीन में आ जाता है। कोई चीज़ एक ऐसी जो होती है सामने होती है, तो उस चीज़ में रूटीन आ जाता है, व्यवहार आ जाता है, उस चीज़ में प्रैक्टिकल, हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका हम प्रैक्टिकल ना कर सकें, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका प्रैक्टिकल ना कर सकें, ओके। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अव्यवहारिक, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रैगनेबल। इम्प्रैगनेबल का मतलब क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड और अटैक्ड और टेकन बाई फोर्स। मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा कुछ जिसको क्या ना कर सकें, जिसे कोई हासिल ना कर सके, जिस पर कोई आक्रमण ना कर सके, जिसको फोर्स के द्वारा यानी कि पावर के द्वारा जिसको कोई ले ना सके, वो क्या कहलाता है, इम्प्रैगनेबल, ठीक है। अब इम्प्रैगनेबल को हिंदी में क्या कहें, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अजेय, या फिर जो सहज में जीता ना जाए, जिसको आसानी से जीता ना जा सके, वो क्या कहलाएगा, इम्प्रैगनेबल, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, इम्प्रैगनेबल में देखो प्रे आ रहा, PRE, प्रे, यानी कि प्रे का मतलब प्रार्थना। तो इम्प्रैगनेबल क्या चीज़ हो गई, जिसको प्रार्थना के बिना इम्प्रैगनेबल चीज़ों को नहीं जीता जा सकता है। मतलब जब तक हम प्रे नहीं करेंगे, इम्प्रैगनेबल यानी कि प्रे, तो प्रे करने पर ही इम्प्रैगनेबल चीज़ों को हम हासिल कर सकेंगे, यानी कि इम्प्रैगनेबल जिसको जीता ना जा सके, बट प्रे के द्वारा यानी कि प्रार्थना के द्वारा उसको भी जीता जा सकता है। तो इम्प्रैगनेबल क्या मतलब हो गया, इसको आसानी से नहीं जीता जा सके, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, दैट विच नॉट पॉसिबल और क्रेडिबल। मतलब दैट विच इज़ नॉट टू बी ट्रू और टू हैपन। मतलब क्या, जो संभव ना हो, मतलब एक वर्ड में कहें तो असंभव, जो चीज़ ना हो सके, दैट विच इज़ नॉट ट्रू यानी कि जो सही नहीं है या जो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है, इम्प्रोबेबल। अब इम्प्रोबेबल को याद कैसे रखें, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, असंभव। याद करने के लिए देखो प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी आपने, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबल लिखा है इसमें, जो प्रोबेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना, ठीक है, संभावना, उसका मतलब क्या होता है, संभावना। तो प्रोबेबल का मतलब क्या हो जाएगा, संभव,
ठीक है, और इसमें आगे क्या लग जाता है आई एम लग जाता है, तो इसका मतलब क्या अपोजिट वर्ड हो गया ये, तो ये अपोजिट इम्प्रोबेबल क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबल का मतलब था संभव और इम्प्रोबेबल का मतलब क्या हो जाएगा असंभव, ठीक है, तो इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके याद कर रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि जो जिसका जिसका कोई कोई रिस्पेक्ट जो रिस्पेक्ट ना किया जा सके, जिसका कोई रिस्पेक्ट ना हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो वो डिसरिस्पेक्टफुल कहलाएगा, तो हिंदी में कहें तो गुस्ताख या फिर ढीठ। तो कुछ अब इसको याद कैसे रखो इम्प्यूडेंट को, देखो स्टूडेंट इसमें इम्प्यूडेंट में साउंड कैसा आ रहा, स्टूडेंट का साउंड आ रहा, तो इम्प्यूडेंट यानी कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसे होते हैं इम्प्यूडेंट होते हैं, स्टूडेंट कैसे होते हैं इम्प्यूडेंट होते हैं, इम्प्यूडेंट मतलब स्टूडेंट ढीठ होते हैं, गुस्ताख होते हैं, मतलब सर कितना भी डांटें कितना भी कोई टीचर डांटे या कितना भी समझाएं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अधिकांश स्टूडेंट कैसे होते हैं ढीठ होते हैं, वो अपने पे ही अड़े रहते हैं, गुस्ताख होते हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, ठीक है, जिनकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, तो इम्प्यूडेंट वो लोग हैं कैसे स्टूडेंट हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल हैं। ओके नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, यानी कि क्या हुआ जिसमें पनिशमेंट का कोई रिस्क ना हो, मतलब क्या हुआ जिसमें दंड से मुक्ति हो, जिसमें कोई दंड ना मिलता हो, वो क्या चीज़ हो जाती है इम्प्यूनिटी। तो अब इम्प्यूनिटी को याद कैसे रखोगे, इम्प्यूनिटी में देखो पनिश यहाँ पे क्या आ रहा पनिश PUNI, ठीक है, और यहाँ पे मैं इम्प्यूनिटी में भी क्या आ रहा PUNI, तो इम्प्यूनिटी क्या हो जाएगा बीच में PUNI आ गया, इसका मतलब क्या हो गया पनिशमेंट, तो प्यूनिटी का मतलब क्या हो गया जिसमें पनिशमेंट मिलती हो, और इम्प्यूनिटी क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, और अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, जिसमें पनिशमेंट का कोई रिस्क ना हो, जिसमें कोई पनिशमेंट का कोई डर ना हो, ठीक है, ये हो जाएगा इम्प्यूनिटी। ओके नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड और रीच्ड या अनअप्रोचेबल, मतलब क्या हुआ जिसके जहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है, जो क्या हो अनअप्रोचेबल हो मतलब अप्राप्य या दुर्लभ, जहाँ तक हमारी अप्रोच ना हो सके, जहाँ तक हम ना पहुँच सके वो क्या कहलाएगा इनएक्सेसिबल। तो देखो अब इसको याद कैसे रखो, एक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ हम पहुँच सकें, ठीक है, जहाँ तक हमारी पहुँच हो वो क्या हो जाएगा एक्सेसिबल हो जाएगा, तो इनएक्सेसिबल क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, इसको प्राप्त नहीं किया जा सके अप्राप्त, ठीक है, तो वो हो जाएगा इनएक्सेसिबल। ओके नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब क्या होता है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, मतलब जिसको हम सुन ना सकें, जिसको सुना ना जा सके वो क्या कहलाता है इनऑडिबल। अब इसको याद रखना बहुत आसान है, इसमें क्या है ऑडिबल आ रहा, ऑडिबल को रिलेट कर लो ऑडियो से, ऑडियो तो ऑडियो का मतलब क्या होता है साउंड होता है, ऑडियो में जो ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है साउंड होता है, जिसमें आवाज़ होती है उसको हम आसानी से सुन सकते हैं, तो इनऑडिबल क्या हो जाएगा जिसको हम ना सुन सकें, जिसमें आवाज़ ना होती हो, तो वो क्या आ जाएगा इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब जिसमें साउंड हो, और इनऑडिबल मतलब इसका अपोजिट, ऑडिबल का अपोजिट वर्ड हो गया इनऑडिबल, जिसमें साउंड ना हो या जो ना सुनाई देने वाला वो क्या कहलाएगा इनऑडिबल। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है इनकैंटेशन, इनकैंटेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में कहें तो जादू टोना, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो अ सीरीज ऑफ वर्ड्स सेड एज अ मैजिक स्पेल या चैंट, चैंट का मतलब भी क्या होता है जादू टोना, तो इनकैंटेशन में मतलब क्या होता है जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं उसको बोलते हैं इनकैंटेशन, ठीक है। अब इनकैंटेशन को याद कैसे रखो, इसको देखो जादूगर जो होता है हमारा, जो जादूगर होते हैं जादूगर के पास क्या होता है जादू टोना ही तो होता है, तो जादूगर के पास इनकैंटेशन होता है, इसको हम किससे याद रख लेंगे कि जादूगर के पास क्या होता है इनकैंटेशन, इनकैंटेशन यानी कि जादूगर है तो जादूगर तो क्या करता है ऑब्वियसली जादू टोना करता है, तो इनकैंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा जादूगर क्या करता है जादू टोना, तो इनकैंटेशन का मतलब क्या हो गया जादू टोना, तो इसको इनकैंटेशन को ऐसे याद रखो कि जादूगर के पास इनकैंटेशन होता है यानी कि जादू टोना होता है, ठीक है, तो जादूगर के पास क्या होता है इनकैंटेशन, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है
एंड द लास्ट वर्ड है incongruous. Incongruous का मतलब क्या होता है? That which is out of place or not suitable in a particular situation. मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा जो क्या हो, इस जगह से अलग हो या इस जगह के में क्या अपनी जो जगह है, जो एटमॉस्फेयर, उसमें सूटेबल ना हो, उसमें अनुपयुक्त हो, बेमेल हो, उसमें कोई मेल ना हो उसका, या वहाँ पे जो जिस जगह पे जिस पर्टिकुलर प्लेस पे है वहाँ पे वो प्लेस उसको सूट ना कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इनकॉन्ग्रुअस कहलाता है. अब इनकॉन्ग्रुअस को याद कैसे रखो, देखो इसमें क्या आ रहा, कॉन्ग्रू आ रहा, कॉन्ग्रू, कॉन्ग्रू को रिलेट कर लो कंगारू से. क्या कंगारू, जो कंगारू कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं कंगारू? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है. तो अब कंगारू जब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तो अगर ये इंडिया में आ जाएंगे, कंगारू क्या हो, अगर इंडिया में आ जाए कंगारू, तो उनके लिए जो अब जो इंडिया जो एक प्लेस हो गया, इंडिया का एक प्लेस हो गया, उनके लिए जो इंडिया है वो प्लेस कैसा हो जाएगा? अनसूटेबल हो जाएगा. नॉट सूटेबल मतलब इंडिया एक ऐसा प्लेस है जो कंगारू के लिए सूटेबल नहीं है. कंगारू के लिए इस सिचुएशन, जो इंडिया की सिचुएशन है, वो सूट नहीं करेगी. तो इनकॉन्ग्रुअस यानी कि कंगारू, और कंगारू के लिए जो अगर इंडिया में आ गए कंगारू तो वो सिचुएशन को जो या जो सिचुएशन है तो वो क्या करने, जो प्लेस है इंडिया, जो प्लेस है वो क्या नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा, ठीक है. ऐसे इसको याद रख सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.